दूसरा एंगल है रैक एंगल, कटिंग पॉइंट की ऊपरी फेस का जॉब की सरफेस के लंब से जो एंगल बनता है वही रैक एंगल होता है। इस डायग्राम में देखिए यह एंगल रैक एंगल होगा। तीसरा है क्लियरेंस एंगल, चीजल की कटिंग एज के निचले फेस का जॉब की सतह से जो एंगल होता है वही क्लियरेंस एंगल होता है। यहां पर आप रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल में रिलेशन को याद रखें कि अगर क्लियरेंस एंगल कम होगा तो रैक एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, अगर क्लियरेंस एंगल ज्यादा कम हो जाए तो चीजल जॉब की सरफेस पे स्लिप होगी एवं यह मटेरियल को काट नहीं पाएगी, और अगर क्लियरेंस एंगल को ज्यादा कर दें तो रैक एंगल कम हो जाएगा जिससे चीजल चिपिंग की जगह जॉब को सीधा काटेगी और उसमें गड्ढा बना देगी। इसलिए क्लियरेंस एंगल एवं रैक एंगल का सही बैलेंस जरूरी है। इन दोनों एंगल्स को हम एक कॉमन एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चीजल की अक्ष रेखा जॉब की सरफेस से जो कोण बनाती है उसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। किसी मटेरियल को काटते समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए यह इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे जैसे मटेरियल की कठोरता कम होती है तो चीजल का पॉइंट एंगल कम होने के साथ साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कम होता जाता है।